हेलो दोस्तों, आज हम इंडक्शन मोटर को चेक करने का तरीका बताएंगे। और ये जो तरीका है, आपका कोई भी मोटर जो रनिंग कंडीशन में हो और ट्रिपिंग आ जाए अचानक, उसको जल्द से जल्द हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, तो वो मैं तरीका बताऊंगा। और ये वो तरीका भी है जैसे हम कोई न्यू मोटर इंस्टॉल कर रहे हो और हमने पूरे कंप्लीट केबल को, मोटर को और सर्किट को चेक करने के बाद जैसे हम ऑन करते हैं, तो इसी शॉर्टकट तरीके से आप मोटर को चेक करके और ऑन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके में मैं आपको समझा देता हूं कि हमने पहले पैनल का सर्किट भी चेक करना है और केबल भी चेक करना है और मोटर भी चेक करना है। मोटर को चेक करने के लिए उसके मेन ब्रेकर को पहले ऑफ़ कर लेना है। तो सबसे पहले हम जो है इस मोटर का जंक्शन बॉक्स के कवर को खोल लेंगे। कवर खोलने के बाद जो है हम मीटर को ओम्स पे रख के और तीनों केबल के, जैसे हमने डेल्टा कनेक्शन किया हुआ है, तीनों का ओम्स चेक कर लेंगे। तो इसमें मैंने ये किया है कि तीनों केबल को खोला भी नहीं है, ताकि हम केबल भी चेक कर लें और मोटर का रेजिस्टेंस भी चेक कर लें कॉइलों का। अगर रेजिस्टेंस से तीनों का रेजिस्टेंस मैं चेक कर लूँगा आपके सामने, तो अभी देख रहे हैं आपके सामने जो है रेड और येलो का मैं ओम्स चेक कर लेता हूँ, और फिर येलो और ब्लू का ओम्स चेक कर लेता हूँ, और फिर रेड और ब्लू का ओम्स चेक कर लूँगा। तो जब तीनों का ओम्स बिल्कुल सही आ रहा है, जैसे सेम आ रहा है, जिसका 7 या 8 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा मोटर ओके है। अगर ओम्स बिल्कुल सही नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमें फिर केबल भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि केबल कहीं शॉर्ट हो रहा हो। तो अगर आपका अगर ओम्स सही नहीं है, तो आप केबल भी खोल के चेक कर लें केबल शॉर्ट तो नहीं है। पर ये आपके सामने आपके मोटर में ओम्स तो बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब मोटर बिल्कुल सही है। और इसके बाद जो है हम मोटर के कवर को भी खोल लेंगे। कवर खोलने का मकसद ये है कि हमारा अभी केबल और मोटर का कॉइल चेक हो चुका, मोटर को और केबल बिल्कुल ओके है। तो हम कवर खोल के ये चेक कर लेंगे कि मोटर का रूटर जो है या इम्पेलर जो है वो कहीं जाम तो नहीं हो रहा, या बैरिंग टूट चुका हो, या जिसकी वजह से जाम हो रहा हो। तो आपके सामने मैंने ये कवर खोल दिया और फ़ैन को घुमा के देख रहा हूँ, तो बिल्कुल फ़ैन फ्री है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा कहीं से भी मोटर जाम नहीं हो रहा है और फ्री है बिल्कुल। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं हमारा मोटर और एम्पेलर रूटर सब चेक हो चुका, इसका मतलब है हमारा ये सही है। और अब मैं आपको सर्किट को चेक करके दिखाऊँगा। सर्किट को भी हमने ये करना है कि जो पैनल साइड से 3 फेज़ का केबल आ रहा है, जो मोटर में लग रहा है, वो कनेक्टर से खोल लेना है, ताकि हम जब अगर सर्किट ऑन करें तो तीनों फेस को हमने चेक करना है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई कॉन्टेक्टर का एक फेस मिस हो रहा हो, और इसी वजह से हमारा अगर मोटर हमने न्यू मोटर इंस्टॉल किया है, तो अगर ऐसा ना हो कि मोटर हमारा जल जाए, तो इसी वजह से हमने सबसे पहले हमने सर्किट को भी चेक कर लेना है। सर्किट को चेक करने के लिए सबसे पहले हमने मेन ब्रेकर को ऑन कर देना है और उसके बाद ऑन बटन दबा देना है। तो इसका मतलब हमारा सप्लाई ऑन हो चुका है। और अब हम जो है मल्टीमीटर को वोल्ट पे रख के हम रेड और येलो फेस का वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो रेड येलो वोल्टेज के आ रहा है हमारा 393 वोल्टेज। और अब इस तरीके से हम येलो और ब्लू का चेक कर लेंगे। येलो और ब्लू का भी 392 वोल्टेज आ रहा है, और हम इस तरीके से ब्लू और रेड का वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो ब्लू और रेड का जो वोल्टेज आ रहा है वो 394 वोल्टेज आ रहा है, वोल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम बटन को ऑफ करके ब्रेकर ऑफ कर लेंगे। तो इसके बाद हम EOCR का सेटिंग आपको दिखा देते हैं कितने पे किया हुआ है। तो EOCR का सेटिंग जो मैंने किया है वो 45 पे किया है। और अब मैं इसका कनेक्शन दोबारा कर देता हूँ और अब मैं मोटर को ऑन करूँगा। तो मैंने एम्पियर मीटर को केबल पर लगा दिया है और मैं बटन ऑन करके मोटर को ऑन करके, और इसका जो एम्पियर है 38 एम्पियर ले रहा है एक रेडियो रेड फेस। और अब मैं दूसरे वाले फेस में देखूंगा कितना एम्पियर ले रहा है। तो दूसरे वाले फेस में 39 एम्पियर ले रहा है। और अब तीसरे फेस में चेक करूंगा मैं ब्लू फेस में, ब्लू फेस में भी 39 एम्पियर ले रहा है। तीनों फेस में एम्पियर एक बराबर ले रहा है, इसका मतलब मोटर बिल्कुल ठीक है। और जिस तरीके से मैंने मोटर को चेक किया, आप इसी तरीके से किसी भी मोटर को बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना? और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।